सो है गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइज, अभी सुबह के बज रहे हैं 7:10 एंड गाइज, अभी मैं नहा हुआ कर बिल्कुल फ्रेश हो गया हूँ, बहुत ही जल्द उठ गया हूँ। और सुबह उठने के बाद, नहाने के बाद पूरा माइंड गाइज एकदम फ्रेश हो रहा। सो आप लोग ने कल के वीडियो पे बहुत सारा प्यार दुलार दिखाए, इतना अच्छा अच्छा इतना प्यारा प्यारा कमेंट किए, तो गाइज उसके लिए थैंक यू। हमारा प्यारा सा बेटा रितेश आ गया, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। सो गाइज, उधर बंदर आया है, सुबह सुबह बंदर आ गया छत पे। छोटू गुड मॉर्निंग बोल दो। तो भाई साहब आप लोग बता दीजिएगा कैसे। गाइज अभी देखिए कितना प्यारा बंदर दिख रहा, छोटा सा बच्चा है, उधर डॉगी लोग हैं उसको परेशान कर रहे हैं। गाइस सुबह सुबह का प्यारा सा मौसम देखिए, अभी उधर शीत गिर रहा है और अब चिड़िया लोग च्यांव च्यांव कर रही है उन पेड़ों पे। तो गाइस उधर भी बंदर, हम लोग सुबह सुबह बंदर देख रहे हैं। तो ये थारा भाई जोगिंदर। तो गाइस मेरा जीजू भी है। और गाइस अभी सन आउट हो गया, सो अभी चलते हैं नीचे, मम्मी जी को प्रणाम करते हैं और अपने प्यारा सा ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आराम से चलना बेटा, ठीक है। अरे नहीं, गंदी आदत नहीं, गंदी आदत नहीं करूंगी, गंदी आदत करूंगी, बहुत मार खाओगे। चलो गाइस, मम्मी जी का पूजा वाला थाली रेडी हो गया। बच्चों हम तो पूजा कर चुकी, माता रानी भोलेनाथ से दुआ मांगती हैं, आप लोग खूब कुशल मंगल से रहें, आप लोग खूब सुखी रहें। हम पूजा कर कर आशीर्वाद देते हैं, हमारे बच्चे जितने देखते हैं, जितने दर से देखते हैं, खूब अच्छे से रहे हैं। आप लोग के लिए हम पूजा कर रही हैं, पिता जी को प्रणाम करते हैं। तो गाइस भैया जी बोल रहे हैं कि आप लोग हमारे चैनल पे 75,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दिए, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और गाइस देखिए मेरा खपड़ा का घर कितना प्यारा लग रहा है, गाइस बहुत ही अच्छा लगता है, पुराने जमाना का घर है। और गाइस यहाँ पे मम्मी जी बोरा वोरा रख रही है, कहाँ बोरा ले जा रही है। प्रणाम। खुश रहा बाबू। गुड मॉर्निंग बच्चो, हम तो ये बोरा वोरा दे रही है, बड़े बाबू के ये बोरा वोरा झोला वोला दे रही है, कुठदार के घर राशन मिलता है तो कहती हैं कि जाओ बाबू राशन लेते आओ। रोज हमको डांटती थी ना, आप आज सुबह उठ गए। तो हमारे लल्ला बहुत सुबह उठे हैं, ऐसे आप लोग उठ जाना। और गाइस सुबह सुबह प्यारा सा बेटा आ गया, अभी साबुन शैम्पू लिया, अपने मम्मी को नहलाएगा क्या। ये कहते हैं दादी चलो हम भी आपके नहा दे। और गाइस यहाँ छोटू चला रहा है जेसीबी। तो गाइस छोटू बड़ी शरारती करता है, मुझको मारता है। आपको मारता है छोटू? जेसीबी तोड़ दिया था, जेसीबी तोड़ दिया। चलो हम लोग लेकर भाग जाते हैं, ठीक है। छोटू छोटू छोटू। सो अभी मम्मी जी जा रही हैं लकड़ी धूप में डालने के लिए। गाइस मम्मी जी खेत जाती हैं तो वहाँ से लकड़ी वगैरह बीन के लाती हैं, क्योंकि गाइस गैस तो खत्म हो गया है, अभी पैसे भी नहीं है गैस भराने के लिए, तो लकड़ी से अभी खाना बन रहा, इसको मम्मी जो धूप में डाल देती हैं सूखने के लिए। तो गाइस थारा भाई जो इधर, थारा भाई को जो इधर रात वो दुखरा कैसे करेगा। पापा के साथ जाओगे ना निचलो, हाँ देखा था। तो इसका जो मस्कुड़ा होता है गाइस अंदर का, वो फूल गया है, इसको ऐसे पसार दिया जा धूप लगने के लिए, सब सूख गया है। हरा हरा लगता था तो अच्छा लगता था, नहीं मम्मी सूख गया है, अब फिर वो आएगा तब ना हरा होगा। आज हमारे गांव में बंदर ही बंदर आए हैं। तो गाइस देखिए अभी कावा लोग क्या क्या कर रहा, क्या बेटा। ओ भाई साहब देखिएगा, वो बंदर छड़ पे चढ़ के फिर नीचे कूद जा रहा, झुलुआ खेल रहे हैं। क्या हुआ? झुलुआ डणारी। अभी भैया जी जा रहे हैं राशन लेने के लिए, अभी बोरा वोरा लेकर आ गए। तो गाइस भैया बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ कोटदार के घर राशन लेने के लिए, तो गाइस धीरे धीरे भैया बोलते हैं, आप लोग तो समझ ही रहे हैं गाइस। और अभी जा रहा हूँ खेत में, क्योंकि पिपरामेंट का बिया गिरा था तो उसमें पानी चलाना। बैठ जाओ बैठ जाओ। अभी हम लोग आ चुके उधर भैया जी इंजन के पास,
और गाइस ये देखो यहाँ पे इतना सारा मुर्गा, छोटू क्या है मुर्गा। तो भाई साहब अभी चक्के में से हवा निकल चुका है, पहले चलते हैं, पहले सेट कर देते हैं, पानी चल जाएगा उसके बाद फिर हवा हवा डाला जाएगा जब घर हम लोग ले चलेंगे। भैया जी नली लगा रहे हैं, टूट गया। तो गाइस अभी पानी लेकर जा रहे हैं, इंजन स्टार्ट करना है। भाई साहब बहुत ही भारी है, गाइस अभी ईंटा गिर गया बाइक से नीचे, तभी इसको हम लोग सही करते हैं। छोटू तो गाइस अभी इसको ऐसे करके अच्छे तरीके से, गाइस अभी खेत की सिंचाई हो गई है, वहाँ से यहाँ तक की पानी लगी है। इसमें पिपरामेंट का बिया लगा, उधर प्याज वगैरह लगा। गाइस वहाँ देखिए मम्मी है, सेक्शन पाइप है, इंजन भैया वहाँ निकाल दिए, आए हैं मंजीत भाई। तो गाइस अभी दोपहर हो गया और कड़क धूप में इसको घींच कर ले जाना पड़ा, गाइस बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, घींच कर अकेले ले जाना होगा। गाइस अभी घींचते हैं, तो गाइस हम लोग गए थे पानी उन्हीं चला ले और अभी घर पे आ गए, सब लोग इकट्ठा हुए हैं, गाइस बैठे हैं और अच्छा लगता है। और भैया जी खाना वाना खा चुके। तो गाइस आप लोग बोल रहे थे कि क्या हुआ भाभी कल वीडियो में नहीं आए, तो गाइस मैं आप लोग से बता दें भाभी भैया वीडियो में नहीं आएंगे आज से। तो गाइस भैया बोल रहे हैं हम लोग वीडियो में नहीं आएंगे, वीडियो चल नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, भाभी जी एकदम पूरा फुल गुस्सा हुई थी मम्मी के ऊपर, नहीं मम्मी जी? ये तो बहुत गुस्सा हो जाती है बच्चों, हम लोग कहती है तो कहते हम नहीं आएंगे नहीं आएंगे। तो गाइस भाभी जी बोल रही है कि वीडियो में नहीं आएंगी। दादाजी अब क्या होगा, भाभी जी तो वीडियो में नहीं आएंगी, झगड़ा कर लेती है सब, तो ऋषि आ जाती है कहती हम नहीं आएंगे। तो गाइस ऐसी सब सीने हैं हमारे घर की, भाभी जी अगर फुल गुस्सा हो जाएंगी तो गाइस पूरा बर्तन वर्तन सब फेंक देंगी। मम्मी जी से नाराज थी लेकिन बट मान गई है, तो गाइस देखिए पूरा घर का काम वगैरह पूरा करके रेडी कर दिया, नहीं मम्मी जी? बच्चों ये तो नाराज हो जाती है तो पूरा कपड़ा पूरा छींट देती है, आप खुशहाल रहती है तो पूरा घर के काम कर देती है, कपड़ा धोकर रख देती है, बहुत खुशहाल रहती है। भैया आप क्या बोलेंगे, बोलिए जल्दी से 1,00,000 सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस भैया बोल रहे हैं कि 1,00,000 जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए तो वीडियो में आएंगे। नहीं आपको आना होगा ना, रोज आइएगा, 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा ना, धीरे धीरे बढ़ेगा ना, अभी 75,000 हो गया, 1,00,000 धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं गाइस आज का ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, अगर भाई की चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। गाइस अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किए हैं तो ये दिख रहा है मेरा इंस्टाग्राम आईडी DeepuChaudhary29, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। नमस्ते प्रणाम जय हिंद लवी वाल।